हिमाचल में रेत बची और ईंट के दाम बढ़े, 25% महंगा हुआ घर बनाना। पंजाब में खनन बंद होने और अन्य कारणों से हिमाचल में रेत ईंट और बजरी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इससे अब घर बनाना करीब 25% तक महंगा हो गया है। जल्द ही सीमेंट के दाम भी बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि सरिये के भाव में आई कमी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बिलासपुर में रेत के दाम की बात करें तो पहले रेत का एक टिप्पर 400 फीट का दाम करीब 17,000 रुपए तक था, लेकिन 2 माह के भीतर ही इसके दाम 20,000 के पार पहुँच गए हैं। शोध में खुलासा, हिमाचल के टीबी मरीजों में पाए जा रहे अमेरिका, अफ्रीका और चीन के भी स्ट्रेन। हिमाचल प्रदेश के टीबी मरीजों में अमेरिका, अफ्रीका और चीन मूल के स्ट्रेन भी पाए जा रहे हैं। इस संबंध में आईजीएमसी शिमला मेडिकल कॉलेज टांडा और आईसीएमआर मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट ऊना ने संयुक्त रूप से एक शोध किया है। इसमें यह खुलासा हुआ है कि यहां पर प्रचलित इंडो ओशनिक के अलावा 5 अन्य स्ट्रेन भी पाए गए हैं। टीबी के सामुदायिक उपचार के लिए यह अध्ययन उपयोगी हो सकता है। प्रदेश में टीबी उन्मूलन की दिशा में पहली बार इस तरह का अध्ययन सामने आया है। हिमाचल में 4 दिन मौसम साफ रहने के आसार। केलांग और कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 27.6, बिलासपुर में 25.5 और सोलन में 25.2, धर्मशाला में 24 और हमीरपुर में 23.9, कांगड़ा में 23.5, शिमला में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 नवम्बर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। उधर केलांग और कुमसेरी में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मंडी के कटसो व सिरमौर के सूदावाले में सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत, 1 घायल आईजीएमसी शिमला में भर्ती। हिमाचल के मंडी जिला के कटसोक में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। गाड़ी में सवार 3 में से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। उपमंडल के अंतर्गत उप तहसील बांगना के समीप बुधवार देर रात शाना लच्छाधार संपर्क मार्ग पर ऑल्टो का HP 3043 करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी में 3 व्यक्ति सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी से बाहर निकालने पर घायलों को सिविल अस्पताल करसोग लाया गया, लेकिन इस बीच रास्ते में ही लोगों ने दम तोड़ दिया।